opportunity. A chance to shine. So clench your butt cheeks, kid. And yell this from the depths of your heart! काफ़ी टाइम से इस एनिमे सीरीज़ को देखना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी सुना था इस एनिमे सीरीज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा माय हीरो एकेडेमिया एनिमे सीरीज़ के बारे में। देखो अभी तक इसके 4 सीज़न है, 5वां सीज़न आने वाला है 2021 के अंदर ही, और अभी तक मैंने सिर्फ इसका फर्स्ट सीज़न देखा है जिसके अंदर 13 एपिसोड है, और इसके बाकी के जो सीज़न्स हैं जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें 25-25 एपिसोड हैं, हर एक में 25 हैं, और इसकी एक मूवी भी आई हुई है। तो अभी जब मैंने इसका फर्स्ट सीज़न ही देखा है तो मैं उसके फर्स्ट सीज़न के बारे में ही बात करूंगा। अब मैं कहानी बताने से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखो यार, मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं शायद मुझे थोड़ा सा रिवील करना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, तो यानी स्पॉइलर आ सकते हैं, तो पहले ही वार्न कर रहा हूं कि यार स्पॉइलर है, लेकिन इतना ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो जाए। बेशक इतना तो मैं बता ही दूंगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट और क्रिएट जरूर हो जाएगा इसके अंदर। तो इसकी शुरुआत होती है जब दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है जिसके पास सुपर पावर होती है, एक तरीके की सुपर पावर होती है, वो दुनिया में पहला ही होता है। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो 80% पॉपुलेशन रहती होती है पूरी धरती के ऊपर जिनके पास पावर्स होती हैं, इंडिविजुअल अलग अलग एक एक पावर होती है हर किसी के पास। और अब दुनिया में बिना पावर्स के पैदा होना उसको अजीब मानने लग गए थे, मतलब एक टाइम था जहां पर पावर्स होती थी तो वो अलग होता था, लेकिन अब जिसके पास पावर नहीं है वो अलग होने लग गया, वो माइनॉरिटी के अंदर कंक्लूड हो गया। वैसे ही जब एनिमे सीरीज देख रहा था तो मुझे एक्समैन की याद आ रही थी, क्योंकि एक्समैन में जो म्यूटेशन होता है उनमें भी एक तरीके का जीन जो होता है वो अलग तरीके का होता है, वहां पर उनके पास पावर होती है, सेम टू सेम इसी में ऐसा लगा मुझे। लेकिन इसके अंदर जो कहानी है माय हीरो एकेडमिया या फिर एक्समैन बिल्कुल ही अलग है, बस ये पावर वाली चीज है वो थोड़ी बहुत इसके अंदर सेम है। पर जो इस एनिमे सीरीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है इजुकु मिडोरी जो भी है, और इसका दूसरा नाम एक और है डेकू, जो इसको चिढ़ाने के लिए बोला जाता है। अब ये इंसान उन 20% पॉपुलेशन में आता है, या जो लड़का है उन 20% पॉपुलेशन में आता है जिनके पास पावर नहीं है, लेकिन ये अंदर से ही चाहता है कि यार अपने मन से चाहता है कि ये सुपर हीरो बने। अब इसमें दो ही तरीके के, जिनके पास पावर होती है या तो वो हीरो बनेंगे या फिर वो विलन बनेंगे। अब जो हीरो है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको एक तरीके से जॉब पे रख रखा है। तो ये लड़का यूए हाई स्कूल में जाना जाता है जहां पर सुपर हीरो को, मतलब जो हीरो बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे विलन से लड़ा जाता है, कैसे अपनी पावर को कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। इसमें मुझे डेकू का करेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, वो इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि यार जब इसको पता चलता है कि इसके पास कोई कॉर्क नहीं है या फिर कोई इसके पास पावर नहीं है तो यहां पर ये बिल्कुल टूट जाता है, और उम्मीद करता है कि यार एटलीस्ट उसकी माँ जो है उसे कुछ अच्छी चीजें बोलेगी, उसको कुछ पॉजिटिव चीजें बोलेगी, वो कहेगी कि हाँ तू बन सकता है हीरो। लेकिन इसका होता है उल्टा, वो खुद हार मान जाती है, उसको दिलासा देती है चल कोई बात नहीं तू इसको ही एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इससे जब बहुत ज्यादा टूटता है अपनी माँ की बातें सुनने के बाद, बावजूद इसकी इतनी अपोजिट सिचुएशन इसके सामने आती है, ये बंदा हार नहीं मानता, ये मन ही मन रखता है कि यार हाँ यार मैं हीरो बनूंगा और मैं उस यूए हाई स्कूल में जाऊंगा, वहां पर एडमिशन लूंगा टेस्ट पास करके और अपने आप को वर्ल्ड का नंबर वन हीरो बनाऊंगा। ये ऐसी उसके अंदर सोच होती है, अपनी इसी सोच के चलते वो ऐसे ऐसे काम करता है कि उसको ऑलमाइट नाम का एक जो सुपर हीरो है इस सीजन वन के अंदर जो सबसे ताकतवर है, अभी तक सीजन वन की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सेकंड सीजन में कौन है या थर्ड फोर्थ मुझे नहीं पता उनके अंदर, लेकिन फर्स्ट सीजन में जो सबसे पावरफुल ऑलमाइट है वो इससे टकराता है और इसकी एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये इसको समझाता है कि हाँ तुम सुपर हीरो कैसे बन सकते हो, या फिर कहूं कि ऑलमाइट इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। डेको का कैरेक्टर मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में एक चीज जो एक मंत्रा जो हम पढ़ते हैं, खासकर मैं तो बहुत बार बोलता हूं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, मतलब कि अगर आप मन से जीत गए तो यार सच में आपको कोई भी हराने वाला नहीं होता। और ऐसे ही डेको के साथ होता है कि वो कभी भी अपने मन से हारता नहीं है, वो अपने आप को मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। जो ऑलमाइट है वो डेको की इसी बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है कि यार ये बंदे जिसके पास कोई पावर नहीं है, ये हेल्प करने के लिए, हर किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, और इसी चीज से वो इंप्रेस होकर डेको को अपना सक्सेसर या फिर कहें कि अपनी पावर का उत्तराधिकारी की भी वो, अब जो ऑलमाइट के पास जो पावर है वो डेको को वो देने का फैसला करता है। अब इसके पीछे अलग कहानी है कि वे वो अपनी पावर
क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, तो देखो हर चीज तुम्हें इसमें बताने जा रहा, वो जब आप इस एनिमे सीरीज को देखोगे तब आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। और केवल डेकू ही नहीं, इसके जो और बाकी करेक्टर है इस एनिमे सीरीज में उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। जैसे डेकू का एक दोस्त होता है कांचा जिसे कहते हैं, या फिर बाकूगो जिसके पास पावर होती है, वो कभी भी अपने आप को मतलब अपने आप को हमेशा ऊपर ही उसने रखा था डेकू के, और डेकू को हमें नीचे दबा कर रखा कि यार मैं इससे तो हाई रहूंगा ही रहूंगा। और जब उसे पता चलता है कि यार ये भी उस यूए हाई स्कूल में एडमिट हो चुका है, एडमिशन इसका हो चुका है, क्योंकि इसके पास भी कोई पावर है और आज तक इसने कभी उस पावर का जिक्र नहीं किया था, जबकि इसको पावर मिली हुई होती है, उसने उधार तो क्या कह सकता हूं कि उसका अपना सक्सेसर चुना होता है, ऑल माइट ने इसको अपनी पावर दी होती है, तो ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार इस लड़के के पास पावर कैसे आ गई, तो ये चीज इससे बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी चीज की जो डेकू है उसने एक बार इसकी जान बचाने की कोशिश भी की होती है, या फिर बहुत सारे जो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डेकू ने कैसे हेल्प की थी बाकूगो की, यह जो इसका दूसरा नाम है कांचा, इस चीज को लेकर यार भाई साहब ये बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। और इसी की जबान पे सिर्फ एक ही चीज रहती है, जब भी फाइट करेगा ये सिर्फ और सिर्फ मारने के ऊपर लगा है कि यार हाँ सामने वाले को हराऊं ना, बस उसको मार दूं जान से। फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे बाकी के एपिसोड देखने की ऐसी तलब लग गई कि यार अपने आप को रोक नहीं पाया, तो इससे पता चलता है कि यार ये सीरीज जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में बिल्कुल अच्छे से मतलब कामयाब होती है। बाकी अगर इसके एनिमेशन की बात करूं तो वो बहुत कमाल के हैं, और इसके जो साउंड है, जो बैकग्राउंड जो साउंड है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस एनिमे सीरीज से चीजें सीखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे डेकू ने किया, वो कभी हार नहीं माना, भले उसके पास पावर नहीं थी लेकिन वो अपने मन से एक सुपर हीरो कह सकते हो कि यार हाँ उसके जो सुपर हीरो थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो डर रहे थे किसी विलन से लड़ने से, लेकिन इस इंसान के पास, इस लड़के के पास कोई पावर ना होते हुए भी वो उस विलन से लड़ने की तरफ भागता है, उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वो आगे जाता है। और जब डेकू के पास पावर आती है तो देखो यार वो इस चीज को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पावर है और अपनी हड्डियां तोड़वा लेता है जब भी इसको यूज करता है। और अब देखो स्कूल में जाता है तो वो पावर को यूज करना सीखता है, कैसे कैसे यूज करेगा, कौन सी उसके सामने वो प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर जो कांचा या बाकूगो जो है वो कैसे इसको परेशान करता है, या फिर स्कूल में इसकी कैसे जर्नी रहती है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप ये एनिमे सीरीज देखोगे। आई थिंक इतना ओवरव्यू आप लोगों के लिए काफी है ये समझाने के लिए ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। सर अगर किसी ने ये एनिमे सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये एनिमे सीरीज कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो, बहुत अच्छी एनिमे सीरीज लगी है। काफी टाइम से इस एनिमे सीरीज को देखने की सोच रहा था, या फिर मतलब बहुत चूजी हो गया हूं यार किसी भी एनिमे सीरीज के ऊपर, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, या फिर किसी मूवी या किसी भी चीज के ऊपर मैं बहुत सर्च करना पड़ता है कि यार हाँ ये वाली देखूं या फिर कौन सी देखूं, क्योंकि उसके ऊपर यार मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, फिर आप लोगों की वीडियो बनानी होती है, तो बहुत ज्यादा चूजी हो गया। और ये कह सकता हूं कि यार हाँ मैंने एक अच्छी एनिमे सीरीज देखी और ये आप लोगों को मैं रिकमेंडेड कर सकता हूं तहे दिल से। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।